स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 6 क्लास 10 CBSE का है को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है द 100 डेसेस 2। यह 100 डेसेस का सेकेंड पार्ट है और इसकी राइटर हैं ईएल बेसर इस्टर। तो फर्स्ट पार्ट जहां पे समाप्त हुआ था, उसके बाद से सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है। इसके पहले कि आप वीडियो में लीन हो जाएं, पढ़ाई में लीन हो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। और वीडियो में आप क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, या चैनल पे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। फाइल द क्लास वाज सर्किलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट। जब क्लास से मतलब है क्लास के बच्चे, जब बच्चे रूम के चारों तरफ या रूम के आसपास चक्कर लगा रहे थे, मॉनिटर प्रधानाचार्य के कार्यालय से मिस मैसन के लिए एक नोट लाया। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन ने इसको कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुल्ली फॉर ए व्हाइल, और इसको बहुत ही विचार मग्न होके सोचा कुछ देर के लिए। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स। उसके बाद उसने अपना ताली बजाया। अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट। और क्लैपिंग करते हुए, ताली बजाते हुए उसने कहा, बच्चों ध्यान दो, हर कोई अपने सीट पर जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, जब पैरों की आवाज बंद हो गई और रूम बिल्कुल शांत हो गया, स्थिर हो गया, मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you। मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास वेंडा के पिता का एक पत्र है जो मैं चाहूंगी कि तुम लोगों के लिए पढ़ूं। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन खड़ी हो गई, एक क्षण के लिए रुक गई और कमरे में बिल्कुल शांति, बिल्कुल निस्तब्धता छा गई और इस वातावरण में थोड़ा तनाव पैदा हुआ, थोड़ी अपेक्षाएं जगी। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डिलीवरेटली। उस अध्यापिका ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और धीरे से उसको सही किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। उसका जो तरीका था वह इशारा कर रहा था कि क्या कुछ आने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, यह जो पत्र है वेंडा के पिता का, वाज मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरीबॉडी लिसेंड क्लोजली एस मिस मैसन रीड ब्रीफ नोट। हर किसी ने इसे बहुत ही ध्यान से सुना जब मिस मैसन ने इसे संक्षिप्त में पढ़ा, या इस संक्षिप्त नोट को पढ़ा। डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। यहाँ पे अध्यापिका को संबोधित करते हुए पत्र लिखा गया है। उसमें वेंडा के पिता कह रहे हैं कि प्रिय अध्यापिका, अब मेरी वेंडा आपके स्कूल में नहीं आएगी। जैक भी नहीं आएगा। Now we move away to big city। अब हम एक बड़े शहर में चले गए हैं। Now more holler pollock, no more holler pollock। अब कोई holler pollock नहीं कहेगा। यह पुलिस वालों को मजाक बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है holler pollock। No more ask why funny name। कोई नहीं पूछेगा कि यह मजाकपूर्ण नाम क्यों है। Plenty of funny name in the big city, क्योंकि इस बड़े शहर में इस तरह के नाम बहुतायत में है। Your truly Jane
पेट्रोंस्की, आपका सच्चा जैन पेट्रोंस्की। इस तरह से पत्र लिखा गया था। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस पत्र के पढ़ने से एक गहरी शांति, गहरी निस्तब्धता छा गई। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मेसन ने अपना ग्लास लिया, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम फॉर हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, उस पर फूंक मारी और फिर उसको अपने सफ़ेद रुमाल से पोछा। देन सी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास। उसके बाद उसने फिर से चश्मे को लगा लिया और क्लास की तरफ देखी, कक्षा के बच्चों को देखी। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो। जब वह बोली तो उनकी आवाज़ बहुत ही धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पजली एंड डिलीवरेटली हर्ट एनी वंस फीलिंग्स बिकॉज हिज आर हर नेम हैपेंड टू बी ए लॉन्ग अनफेमिलियर वन। मुझे विश्वास है कि इस रूम नंबर 13 से कोई भी लड़का या लड़की किसी उद्देश्य के साथ डिलीवरेटली, मतलब सोच सोच कर धीरे धीरे किसी व्यक्ति को चोटिल नहीं करेगा, दुख नहीं पहुंचाएगा, क्यों, और उसके नाम के कारण कि उसका नाम कैसा है, कितना बड़ा है या अपरिचित सा है, इसके लिए कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड वाज सेड इन द थॉटफुलनेस। आई प्रेफर टू थिंक, मैं इस चीज़ को सोचने को महत्व दूंगी, इस बात को वरीयता दूंगी, दैट व्हाट वाज सेड, कि क्या कहा गया, वाज सेड इन थॉटफुल साइलेंस, जो इस विचारपूर्ण शांति में कहा गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मैं जानती हूँ कि तुम सभी इस चीज़ को महसूस कर रहे हो जो मैं महसूस कर रही हूँ। दैट दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेटली थिंग टू हैपेंड। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो कुछ हुआ है वह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और काफ़ी उदासीपूर्ण भी है, काफ़ी दुखद भी है, दोनों ही है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इस बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड। पहला पीरियड में स्टडी करना था, पढ़ना था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। मैडी ने अपने लेसन को, अपने पाठ को तैयार करने का प्रयास किया। बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वो अपने दिमाग को अपने कार्य पर नहीं लगा सकी। सी हैड वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। उसके पेट में एक बहुत ही बुरी अनुभूति हो रही थी, मतलब वह अंदर से बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी। ट्रू सी हैड नॉट enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many days she had in her closet. सही है, सी हैड नॉट enjoyed listening। वह इस बात में enjoy नहीं करती थी, आनंद नहीं करती थी, जब पेगी Wanda से पूछा करती थी कि तुम कितने कपड़े, कितने वस्त्र अपने अलमारी में रखती हो। बट सी हैड सेड नथिंग। लेकिन वह कुछ कहती भी नहीं थी, मतलब वह पेगी को पूछने से रोकती भी नहीं थी। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। वह केवल शांति से खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट सो बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। और यह भी उतना ही बुरा है जितना पेगी बुरा करती थी, वर्स या उससे भी खराब। सी हैज ए कावर्ड। सी वॉज ए कावर्ड। वह एक कायर है। एट लीस्ट पेगी हैड नॉट कंसिडर्ड they were being mean, but at least Peggy had not considered that they were being mean, but see, कम से कम पेगी को इस बात, यह बात नहीं मानती थी कि वह कुछ बुरा व्यवहार कर रही है, लेकिन वह तो समझ रही थी कि जो हो रहा है वह बुरा हो रहा है। Maddie had thought they were doing wrong। मैडी ने सोच रखा था कि वे कुछ बुरा कर रही हैं। सी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडाज सूज। उसे अपने आप को वेंडाज के सूज में रखना चाहिए था, मतलब वेंडा के स्थान पर रखकर सोचना चाहिए था। गुडनेस वाज नॉट देयर
एनीथिंग सी कुड डू, ओ भगवान अब वह क्या कर सकती है। इफ ओनली सी कुड टेल वेंडा सी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, यदि वह केवल वेंडा से इतना कह पाती कि उसका उसको दुख पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। सी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लैंस एट पैगी, उसने थोड़ा सा घूमा, मैगी थोड़ा सा घूमी और एक छिपी हुई नज़र पैगी पे डाली। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वह कुछ ऐसा दिखी जैसे वह बहुत ही गहराई से पढ़ रही है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली आर नॉट, अच्छा पैगी पता नहीं अच्छा महसूस की है या बुरा महसूस की है या नहीं की है। सी मैडी हैड टू बी समथिंग, पर मैडी को कुछ करना है। सी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोंस्की, वह वेंडा पेट्रोंस्की को फाइंड करेगी। मे बी सी हैड नॉट एट मूव्ड अवे, बहुत हद तक संभव है कि वह अभी दूर नहीं गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट विथ हर, हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ हाइट पर जाए। एंड दे वुड टेल वेंडा सी हैड ऑन द कॉन्टेस्ट, और वे सभी उसको बताएं कि वेंडा ने प्रतियोगिता को जीता है। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड द हंड्रेड ड्रेसेज वेयर ब्यूटिफुल, और वे सोचा करती थी कि वह एक स्मार्ट है, चतुर लड़की है, और उसने उसके पास 100 ड्रेसेस सुंदर 100 वस्त्र हैं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, जब दोपहर के बाद स्कूल बंद हुआ तो पेगी ने कहा, With pretended casualness, एक बहाने जैसा लापरवाही के साथ, Hey, let's go and see if that kid has left town or not. उसने कहा कि चलो देखते हैं उस बच्ची ने अभी कस्बे को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। So Peggy had the same idea. और पैगी भी ऐसा ही विचार रखती है। मैडी ग्लोड, यह जान के मैडी खिल गई, खुश हो गई। पेग वाज रियली ऑलराइट, पेग निश्चित ही सही है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, वे दोनों लड़कियां बिल्डिंग मतलब स्कूल से है, स्कूल से जल्दी से बाहर आईं। अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगिंग हाइट, और उस स्ट्रीट की तरफ बढ़ी जो बोगिंग हाइट की तरफ थी। The part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. The part of a town that wore such a forbidding air, जो उस कस्बे का जो हिस्सा था वह बहुत ही डरावनी हवा वाला था, और यह महीना था नवंबर का और दोपहर बाद का समय था जिसमें हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और जो वायु थी, हवा थी, वो नम थी और वातावरण में काफ़ी उदासी भरा हुआ था। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर फॉरेनर आर मेक फन ऑफ हर नेम। वेल कम से कम पैगी ने कहा कि कम से कम मैंने कभी उसे फॉरेनर या विदेशी नहीं कहा और कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वेयर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास इतनी समझ है कि वह यह समझ पाती कि हम लोग उसका कई तरीके से मजाक बनाते हैं। आई थॉट सी वॉज टू डम्प, मैं सोचा करती थी कि वह बिल्कुल ही चुप्पी है। एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, और आगे बढ़ते हुए कहा लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, देखो कैसा ड्राइंग कर सकती है, कैसा बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ भी नहीं कर सकी। ऑल सी होप वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, और उन दोनों को इस बात की आशा थी कि वे वेंडा को खोज लेंगी, पा लेंगी।
She wanted to tell her that they were sorry that had picked on her, and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away, and everybody would be nice. She had Peggy would fight anybody who was not nice. She wanted to tell her that they were sorry. We Wenda से कहना चाहती थी कि उन्हें बहुत दुख है, बहुत अफसोस है that they had picked on her, और इस बात का जो उस व्यवहार का जो उसने उन लोगों ने उसके साथ किया है, and how wonderful the whole school thought, और स्कूल पूरे स्कूल का विचार कितना आश्चर्यजनक है उसके प्रति, वेंडा के प्रति, and please not to move away, और उसे निवेदन करेंगे कि तुम दूर ना जाओ, क्योंकि and everybody would be nice, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब स्कूल में हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा. She and Peggy would fight anybody who was not nice. वह और पेगी उस हर किसी से लड़ेगी जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा. The two girls hurried on. वे दोनों लड़कियां बहुत जल्दी में थीं. They hoped to get to the top of the hill before dark. उन्हें आशा थी कि वे पहाड़ी के शिखर पे अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगी. I think that is where the Petronsky live. मैं सोचती हूँ कि ये वहाँ पे पेट्रोंस्की रहती होगी, said मैडी, मैडी ने कहा, pointing to a little white house, और यह उसने एक सफ़ेद घर की तरफ, छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, wisp of old grasses stuck up here and there along the pathway like thin kittens. और यह जो सफ़ेद मकान था वह घास का, घास के कणों का बना हुआ था, जो यहाँ वहाँ फैले हुए थे रास्ते में, और एक पतली सी बिल्ली के बच्चे जैसा लग रहा था. The house and its aspers little yard looked shabby but clean. यह जो घर था बिल्कुल ही बिरल था, मतलब हल्का फुल्का घर था. यार्ड लुक से भी, और इसका जो छोटा सा आंगन था वह बहुत ही भद्दा सा लगता था, लेकिन साफ सुथरा था. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, और इस घर ने मैडी को वेंडाज की एक पोशाक की याद दिलाई. हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसका हल्का कॉटन का जो ड्रेस था नीले रंग का, उसकी याद दिलाई. से भी बट क्लीन, और वह ड्रेस भी भद्दी थी लेकिन साफ सुथरी थी. देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लिटिल साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. उस घर में कोई जीवन का चिन्ह नहीं था, मतलब उस घर में कोई किसी के होने का एहसास नहीं हुआ. पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर. पेगी ने दरवाजे पर तेजी से खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर. उसके बाद मैडी और पेगी दोनों ही घर के पीछे गए और फिर वहाँ पे ठकठकाया. स्टिल देयर वॉज नो आंसर, अब भी कोई जवाब नहीं मिला. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट. अब इस बारे में कोई भी शक सुबह नहीं था. द पेट्रोंस्की वेयर गॉन. पेट्रोंस्की जा चुके थे. How could they ever make amends? अब वे पश्चाताप कैसे करेंगे? इन्हें अपने दुख, अपने किए का एहसास तो है, पर पश्चाताप कैसे करेंगे? How turned slowly and made their way back down the hill. फिर वे घूमे और धीरे धीरे वापस चल दिए हिल्स, पहाड़ी से नीचे की तरफ. Well, anyway, said Peggy. पेगी ने कहा, कोई बात हो, she is gone now. वह जा चुकी है. So what can we do? तो अब हम कर भी क्या सकते हैं. Besides, when I was asking her about all dresses, इसके सिवाय जब हम उसके बारे में, उसके पोशाकों के बारे में पूछा करते थे, she probably was getting good ideas for her drawings. तो मेरे हमारे पूछे जाने से बहुत हद तक संभव है कि उसे अपनी ड्राइंग के बारे में विचार आते रहे होंगे.
she might not even have won the contest otherwise. और यह निश्चित है कि अगर हम लोग इस तरह से प्रश्न नहीं पूछते तो वह इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाती. Maddie turned this idea carefully over in her head. Maddie के दिमाग में यह विचार तेजी से घूमा. For if there were anything in it, she would not have to feel so badly. For if there were anything in it, she would not have to feel so badly. उसने कहा कि इस कारण से अब हमें बहुत बुरा नहीं सोचना चाहिए. But that night she could not get to sleep. लेकिन उस रात वह सो नहीं सकी. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. उसने वेंडा के बारे में सोचा और उसका हल्के नीले रंग के पोशाक के बारे में सोचा और उसके छोटे से घर के बारे में सोचा जहाँ पे वह रहा करती थी. And she thought of her glowing pictures those 100 days made. और उसने उस 100 दमकते हुए तस्वीरों के बारे में भी सोचा जो 100 पोशाकों के थे. All lined up in the classroom, जो सभी कक्षा में कतार में खड़े थे. At last Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. और अंत में मैडी अपने बिस्तर पे उठ बैठती है और अपने माथे को दबाती है कस के अपने हाथों से और वास्तव में सोचती है. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन. वो अब तक जितना सोची थी उससे भी कहीं ज़्यादा गहराई से सोच रही थी. आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एस इम्पोर्टेंस कंक्लूजन. काफ़ी लंबे समय के बाद वह एक निष्कर्ष पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचती है. सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन. सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन. अब वह कभी भी कुछ भी नहीं कहेगी. इफ सी एवर हर्ड एनी बॉडी पिकिंग ऑन समवन. यदि वह कभी सुनते भी है कि कोई किसी को चिढ़ा रहा है बिकॉज दे वेयर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम. और चिढ़ाने का कारण अगर कुछ ऐसा हो जैसे वह उसका जो अपीयरेंस है वह फनी हो मजाकिया हो और उसके या फिर उसके नाम अनजाने से हो और ऐसे को कोई चिढ़ा रहा हो. सी हैड स्पीक अप. वह बोल पड़ेगी मतलब उसका विरोध करेगी न कि वह चुपचाप खड़ी होके देखती रहेगी. इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पेगी फ्रेंडशिप. और यहाँ तक कि इसके लिए अगर पेगी की मित्रता भी तोड़नी पड़े तो वह तोड़ेगी. सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा. अब उसके पास वेंडा के साथ अच्छा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है. बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनी बॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. और अब से वह कभी भी किसी को भी नाराज नहीं करेगी. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी. सैटरडे को मैडी ने अपना दोपहर के बाद का समय पैगी के साथ बिताया. दे वेयर राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रोंस्की. वे दोनों वेंडा पेट्रोंस्की को एक पत्र लिख रही थीं. इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा सी हैड ऑन. यह एक मित्रवत पत्र था जिसमें बताया जा रहा था कि वेंडा तुमने प्रतियोगिता जीती है और तुमने प्रतियोगिता जीती है. दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राॅइंग्स वेयर. वे उसको ये भी बता रही थी कि तुम्हारी जो ड्राॅइंग्स थी चित्रकारी थी वो कितनी सुंदर थी. एंड दे आस्ट हर इफ सी लाइक वेयर सी वॉज लिविंग एंड इफ सी लाइक हर न्यू टीचर्स. और वे पूछती हैं कि वे कहाँ पर रह रही हैं, वह कहाँ पर रह रही है,
एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या वो अपने नए अध्यापिका को पसंद करती है. दे हैड मीन टू से दैट वी आर सॉरी, और उनके कहने का मतलब है कि वे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगती हैं. बट इट एंडेड अप विथ देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, और यह इसका अंत होता है एक मित्रवत पत्र के साथ. द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, और वे जो लिखे थे वो एक अच्छे मित्र की तरह लिखे थे. एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, और उन लोगों ने उस पर अपना जो हस्ताक्षर किया उसमें बहुत सा प्यार था. दे मेल द लेटर टू बॉगिंस हाइट, उन लोगों ने पत्र को बॉगिंस हाइट के लिए मेल कर दिया, भेज दिया. राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन इनवेलप, और उस पत्र पर यह लिखते हुए कि कृपया इसे आगे बढ़ाएं. डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर, दिन बीतते गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया. बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन वह पत्र भी वापस नहीं आया. सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वेंडा ने इस पत्र को रिसीव कर लिया हो, पा लिया हो. परहैप्स सी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री सी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, हो सकता है कि वह बहुत ज़्यादा चोटिल हो और नाराज हो और इसलिए उसने कोई जवाब न दिया हो. यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसे कोई आरोप भी नहीं लगा सकती. वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर, कई सप्ताह बीत गए लेकिन अभी भी वेंडा ने कोई जवाब नहीं दिया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी ने पूरी घटना को भूलना शुरू कर दिया था, बल्कि भूल चुकी थी. एंड मेडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वेंडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वेयर ट्राइंग टू टीस हर विथ. और मेडी जो थी अपने आप को सोते समय कुछ ऐसी बातें किया करती थी जैसे कि वेंडा को वह बचा रही है, जब बच्चों की भीड़ उसे चिढ़ाने का प्रयास कर रही है. तो हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तुम कितनी पोशाक पाई हो, कितनी पोशाक रखती हो. एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन, इसके पहले कि वेंडा अपने ओठों को दबा ले. द वे सी डिड बिफोर एंसरिंग, इसके पहले कि वह जवाब देगी, वो खुद ही जवाब देगी. मेडी वुड क्राई आउट, मेडी चिल्ला पड़ेगी स्टॉप रुक को. देन एवरीबॉडी वुड फील असेम्ड द वे सी यूज टू फील, और फिर हर कोई शर्म महसूस करेगा और महसूस करेगा कि उसे चिढ़ा के सब कोई गलत कर रहा है. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अब क्रिसमस का समय आ गया था और ज़मीन पर बर्फ पड़ी हुई थी. क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्रिसमस बेल और छोटे क्रिसमस ट्री को क्लासरूम में सजा दिया गया था. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों के पहले का जो आखिरी दिन स्कूल में था उस दिन, द टीचर शोड द क्लास ए लेटर सी हैड रिसीव्ड द मॉर्निंग, अध्यापिका ने एक पत्र कक्षा में दिखाया, क्लास में दिखाया, जो उसने सुबह सुबह पाया था. यू रिमेंबर वेंडा पेटोंस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, क्या तुम लोगों को वेंडा पेटोंस्की की याद है जो पैदाइशी कलाकार थी और जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट में या चित्रकारी की प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी. वेल सी हैज रिटेन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव्स, अच्छा उसने मुझे लिखा है, पत्र भेजा है और मुझे मैं बहुत प्रसन्न हूँ यह जान के कि वह कहाँ रहती है. बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे मेडल भेज सकती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसका पत्र तुम लोगों के लिए पढ़ूँ. द क्लास सेट अप विथ ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, और पूरी कक्षा अचानक ही शांत हो जाती है और पूरी दिलचस्पी से सुनने लगती है. डियर मिस मैसन, प्री मिस मैसन हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है.
Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones. कृपया लड़कियों को यह बताएं कि वे उस 100 ड्रेसेस को 100 पोशाकों को अपने पास रखें क्योंकि मैं अपने नए घर में दूसरे 100 पोशाक रखती हूँ. आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी मेरे अलमारी में कतारबद्ध हैं. आई हैड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस. और मैं पसंद करूँगी कि जो पेगी है उसको ड्राइंग का हरा वाला ड्रेस या पोशाक दे दिया जाए विथ रेड ट्रिमिंग, जिसमें रेड कलर से ट्रिमिंग की गई है. एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो मित्र है मैडी उसे नीला वाला दिया जाए. फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए. आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू. मैं इस बात को बहुत मिस करती हूँ कि मेरा जो स्कूल है और जो मेरी न्यू अध्यापिका हैं वो आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकती. मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी. आपको क्रिसमस की बधाइयाँ और हर किसी को भी क्रिसमस की बधाइयाँ. योर ट्रूली वेंडा पेट्रोंस्की, आपकी सच्ची वेंडा पेट्रोंस्की. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. जब मैडी और पेगी स्कूल से घर की तरफ आ रही थीं तो वे दोनों अपने ड्राइंग्स को बहुत ही सावधानी से पकड़ी हुई थीं. ऑल द हाउसेस हैड रीथ एंड होली इन द विंडोज. पूरा घर जो था वो पुष्पांजलित हो गया था और सदाबहार पेड़ जैसा लग रहा था खिड़कियों में से. आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर, बाहर से जो ग्रॉसरी की दुकान थी, 100 ऑफ क्रिसमस ट्री वेयर स्ट्रैक्ट. वहाँ पे क्रिसमस ट्री के सैकड़ों क्रिसमस ट्री खड़े थे. एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक एंड कर्नोकोपियाज ऑफ साइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वेयर स्ट्रंग. और खिड़की पे कैंडी पेपरमेंट स्टिक और चमकते हुए पारदर्शी पेपर बहुतायत मात्रा में थे. द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, और जो ये हवा थी वो भी क्रिसमस की तरह ही महक रही थी. एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था और साथ ही साथ प्रति उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था अलग अलग रंगों में बर्फ पर. बॉय सेड पेगी, दिस शोज सी रियली लाइक्स अस. पेगी ने कहा, देखो यह दिखाता है कि वह हमें सचमुच पसंद करती थी, मतलब वेंडा हमें पसंद करती थी. इट शोज सी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट. यह भी दिखाता है कि उसे हमारा पत्र मिला और वह इस तरह से कहना चाहती है कि हर चीज़ बिल्कुल सामान्य है. एंड दैट इज दैट, और सब कुछ तब की बातें थी. आई होप सो सेड मैडी सैडली. मैडी ने उदासी भरे स्वर में कहा कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ. शी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम. सी फेल्ट सैड बिकॉज, उसने दुखी महसूस किया क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी भी इस छोटी चुपचाप रहने वाली लड़की से दोबारा नहीं मिल पाएगी. एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उनके बीच जो बातें हैं उसको सचमुच सामान्य नहीं बना पाएगी. सी वेंट होम एंड सी पिंड हर ड्राइंग्स ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम. वह घर गई और उसने उस चित्रकारी को वॉलपेपर पर पिन करके अपने बेडरूम में लगा दिया. इससे भी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स. वह जो भद्दा सा रूम था बिल्कुल रंगों से चमकने लगा. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक एट द ड्राइंग. मैडी बिस्तर पे अपने बेड पर बैठ गई और उस चित्र को देखने लगी. सी हैड स्टूड बाई
and said nothing. वह खड़ी हुई पर कुछ भी नहीं बोली. But Wanda had been nice to her anyway. लेकिन Wanda उसके साथ हमेशा ही सही थी, अच्छी थी किसी भी तरह से. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आँखों से आंसू बहने लगे और उसने उस तस्वीर को लंबे समय तक देखा. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intensely. फिर उसने तेजी से अपने आँखों को पोछा और फिर अध्ययन किया, पढ़ा. The colors in the dress were so vivid that she had इसके सिली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग. कलर इन द ड्रेस, जो उस पोशाक में रंग थे, यू आर सो विविड, इतना चटकीले थे, दैट सी हैड स्केर्सली नोटिस्ड, जो उसने शायद ही कभी नोटिस किया हो, द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, उस ड्राइंग की उस चित्र के जो चेहरा था, जो सिर था, वो उसको उसने शायद ही कभी नोटिस किया हो. बट इट लुक लाइक हर, लेकिन यह उसके जैसा ही दिख रहा था. अब उसने गाड़ी से देखा तो उसे जाना कि उसमें उसका अपना ही चेहरा दिख रहा था. मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ऑन माउथ, वो कहती है कि यह तो बिल्कुल उसके अपने मुंह जैसा ही लग रहा है. वाई इट रियली लुक लाइक हर ऑन सेल्फ, आखिर यह उसको अपने जैसा क्यों दिख रहा है. वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वेंडा ने निश्चित रूप से इसको उसी के लिए बनाया है. एक्साइटेडली सी रैन ओवर द पैगीज, और उत्तेजना में वह पैगी की घर की तरफ गई. पेग, सी सेड, उसने कहा, पेग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी तस्वीर ज़रा दिखाओ.